दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्कीम है माइनॉरिटीज़ के लिए है। ऐसे बच्चे, घर के बच्चे जो कि 1 से 10 तक की पढ़ाई करना चाहते हैं और वो माइनॉरिटीज़ से आते हैं। माइनॉरिटीज़ किसे कहेंगे, चलिए बताता हूँ। देखेंगे आप यहाँ पर, तो आपको मैं यहाँ बताऊँ कि ये जो स्कीम है 1 से 10 तक पढ़ने के लिए है। और उनको क्या मिलेगा, उनको स्कॉलरशिप मिलेगा जो कि 50% अपने लाए होंगे प्रीवियस एग्ज़ाम में, वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और उनके पेरेंट का जो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये जो एनुअल इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि माइनॉरिटीज़ में क्या मैं आऊँगा क्या, तो चलिए मैं बता दूँ आपको। आप अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ तो यहाँ पर बाकायदा लिखा गया है कि माइनॉरिटीज़ में कौन आएगा। आप देखेंगे यहाँ, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और जोरोस्ट्रियंस यानी कि पारसीस, इनको रखा गया है किसमें, माइनॉरिटीज़ में रखा गया है, ठीक है। तो ये सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इनके ऐसे बच्चे जो कि 1 से 10 तक की पढ़ाई कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि प्राइवेट हो या सरकारी हो, किसी भी जगह आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बस 50% आना चाहिए पिछले एग्ज़ाम में और आपका 1 लाख से कम का वो होना चाहिए। और ये आपका रेट ऑफ स्कॉलरशिप, ट्यूशन, एडमिशन, सब कुछ क्या क्या कितना मिलेगा वो दिया हुआ है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा आवेदन कैसे करें, तो ये साइट है scholarships.gov.in। यहाँ पर जैसे आएंगे यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। 31/10/2022 तक यहाँ ये खुला हुआ है, ठीक है, यानी कि अभी 19 है और ये 15/11/2022 तक खुला रहेगा, ठीक है। डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरीफिकेशन स्कीम क्लोज हो जाएगा 31/10 को, तो 31/10 के पहले अप्लाई करें। फिर जो एप्लीकेशन वेरीफिकेशन होगा वो 15/11 तक होगा। इंस्टीट्यूट वेरीफिकेशन जो होगा वो 15/11 तक होगा, ठीक है। DNO, SNO, MNO वेरीफिकेशन 30/11 तक होगा, ओके। आवेदन कैसे करेंगे, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, करेक्ट। तो आवेदन करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको एप्लीकेशन कॉर्नर का। आप देखेंगे ये वाला जो एप्लीकेशन कॉर्नर है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन सबमिशन फॉर एनुअल ईयर 2022-23, फ्रेश एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलिए बता दूँ क्लिक करने से क्या होता है। क्लिक जैसे करेंगे नया पेज खुल के आएगा, यहाँ पर आपको लॉग इन करने का ऑप्शन होगा। आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्टर हियर पर क्लिक करना है, यहाँ पर सारा कुछ पढ़ लेना है आपको आपके अनुसार। एक बार नहीं भी पढ़ेंगे तो आगे आपको जो चीज़ें हैं वो देना होगा। यहाँ तीनों पर टिक करना है, ठीक है, और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ओके। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे अब आपके पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आपसे सब चीज़ पूछा जा रहा है, आपका डोमिसाइल कहाँ, किस राज्य से हैं, डोमिसाइल में का मतलब किस राज्य से आप हैं, किस कैटेगरी के स्कॉलरशिप आप चाहते हैं, ठीक है। तो आप प्री मैट्रिक चाह रहे हैं, ये 1 से 10 तक के लिए, पोस्ट मैट्रिक उसको कहते हैं या टॉपर्स उसको कहते हैं, आफ्टर मैट्रिक जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का नाम, कौन सा योजना का वो लेना चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप स्कीम है, इंसेंटिव है तो स्कॉलरशिप में आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ये सब डालने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको एक यूज़र नेम, आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे सारा जो डॉक्यूमेंट आपका है रिलेवेंट, कि आप माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, आपका एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। वो डालने के बाद सबमिट करना होगा, सबमिट करने के बाद ये वेरिफिकेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ भी आपको अलग से जानना हो और बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, फेसबुक पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं, है ना, GAURAV गौरव, KIDUNIYAA डालना है, ठीक है। गौरव की दुनिया आप सर्च करेंगे मैं मिल जाऊंगा। इंस्टा पे आप मुझसे बात करना चाहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं, GAURAV KI गौरव की दुनिया, ठीक है, सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, वहाँ से मुझे बात कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होगा मैं बिल्कुल आपको हेल्प करूँगा। तो बने रहिए आगे भी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज़ को मैं जो बना रहा हूँ उसको मोटिवेशन मिले मुझे और आप तक सही जानकारी पहुँचे। तो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।